भाई अगर आप डिटेल में बता पाओ एक एक्सीडेंट हुआ कैसे थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए जो हाँ भाई एक्सीडेंट एक्चुअली पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी भी जो मेरा केस है वो चल रहा है शायद मैंने अपनी वीडियो में भी नहीं बताया वो केस अभी भी चल रहा है और मेरी केस की डेट भी है आपने नई बाइक ली थी ना हाँ अच्छा। नई मैंने लगा लो मतलब वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है मतलब इससे ऊपर कोई बाइक ही नहीं है ये लास्ट है इसके ऊपर एंड है इसके ऊपर तो क्या ही लेगा बंदा जैसे आपने गाड़ियों में कोई बेंटले शेंटले या रोल्स रॉयस ले ली

पचहत्तर अस्सी हजार रुपये का एक पास लगता है सिर्फ तीन दिन के लिए वहाँ से आना जाना अच्छा। तो वो मैंने कर रखा है क्योंकि मेरे को था कि हाँ भाई कुछ अलग करना है अच्छा। और एस टू का सीन ये था कि नेपाल में पूरे एस टू है ही नहीं अच्छा। और उनको उन्होंने देखी सामने से तो किसी ने देखी भी नहीं अच्छा। और मेरे को था कि नेपाल एंटर करूंगा जगह जगह मीटअप करूंगा अच्छा। ताकि वो बाइक भी देखे मेरे से ही मिले इससे क्या अपनी पब्लिसिटी भी होगी देखो दोनों तरफ फायदे हैं और दूसरा वहाँ पर भी वो लोग देख पाएंगे कि भाई एस क्या चीज़ होती है तो मेरे को था कि हाँ भाई अपने को भी टाइटल मिलेंगे कि भाई पहली एस टू नेपाल में एंटर हो रही है हाँ, ठीक है हाँ पहली बार लोगों ने नेपाल में एस टू देखी हाँ। और अपनी जो यहाँ बाइक है मेरे ख्याल से पैंतालीस पचास लाख की है वही बाइक सेम वहाँ पर डेढ़ दो करोड़ की है हाँ। तो डेढ़ दो करोड़ की वो सोचते भी नहीं खरीदने के लिए कि क्यों नहीं खरीदेगा हाँ। तो मेरा मेन मोटो ये था और फिर एक्सीडेंट का क्या सीन हुआ कि बाइक ली अब प्लान मेरा पहले ही था वहां जाना है इवन मैं इतनी सारी चीजें करके गया था ना मैंने इतनी सारी राइडे करी है इतनी सेफ्टी मैंने किसी चीज किसी बाइक में नहीं ली ना गाड़ी में इसमें मैंने टायर चेंज करा दिए बैटरी का मेरे को डर लग रहा था हल्की वीक है बैटरी एक्स्ट्रा दूसरी बाइक में लेके गया साथ में मेरी दूसरी बाइक भी गई थी बी उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें टूल वूल अट्रम शट्रम सब रख लिया था कि भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रस्ते में पहली बार मैं सुपर बाइक ऐसे क्रॉस कंट्री लेके जा रहा हूँ और फिर तीसरे दिन ही निकल गया डिलीवरी के और सीन क्या हुआ था जैसे कोई एजड अंकल थे मेरी आगे से बारह पचास निकली उसकी आवाज़ भी थोड़ा लाउड है और ज़्यादा स्पीड नहीं थी हमारी अभी लोगों ने इतने हवे बना दिए जब मैंने वो वीडियो देखी ना डेढ़ सौ की स्पीड पे ठुक गया दो सौ की स्पीड पे ठुक गया भाई मैं बता दूं अगर डेढ़ सौ या दो सौ पर बंदा ठुक रहा है ना वो बचेगा नहीं चाहे जितने मर्जी गियर पहने हो चाहे दो राइडिंग पेंट पहनी हो तीन राइडिंग जैकेट पहनी हो वो नहीं बचेगा अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है और मेरी स्पीड थी मेरे ख्याल से पचास या साठ इससे ऊपर नहीं थी और उस रोड पर भी जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर भी स्पीड की लिमिट थी पचास या साठ साठ से ऊपर अगर होता ना तो मैं नेपाल से वापस नहीं आ पाता अभी सबको ही पता नेपाल और इंडिया के टर्म्स सही नहीं चल रहे ठीक हाँ। है तो मेरी स्पीड भी उसके अंदर थी और बाय चांस की बात है उस रोड पे कैमरा लगा हुआ था है। मेरे पास कैमरा नहीं था जो मेरा कैमरा था ना वो ऑन नहीं था लेकिन उस रोड पे कैमरा लगा हुआ था उसके बेस पे उन्होंने चेक करा कि क्या स्पीड थी ये कहीं उस पर तो नहीं था वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल यहाँ के अलग है तो साठ से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए थी मेरी जो बंदा रोड क्रॉस कर रहा था वो जैबरा क्रॉसिंग पे नहीं होना चाहिए था और वो नहीं था जैबरा क्रॉसिंग थी नहीं उस रोड पे काफ़ी आगे जाके थी तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था दूसरा क्या था जब मेरी 1250 निकली ना वो काफ़ी ह्यूज बाइक है मतलब जितना ऑटो होता है ना इतना बड़ा तो इंजन ही है उसका इतना बड़ा फ्रंट है उस बाइक का तो वो निकली ना तो वो अंकल उस बाइक को देखने लग गए रोड के बीच में खड़े होके तो वो ऐसे पूरा उधर मतलब जैसे ये बाइक निकली मैं यहाँ वहाँ खड़े हैं वो पूरा ऐसे रोड के बीच में मिड में खड़े हो वो उस बाइक को देख रहे हैं उनको ध्यान नहीं गया कि पीछे से दूसरी बाइक भी आ रही है और मैं स्पीड धीरे ही थी तो मेरे को लगा बंदा रुका हुआ है तो मैं उसके आगे से निकल जाऊँगा तो मैंने जैसे ही उनके आगे से मतलब ये बंदा खड़ा है रोड भी इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी लगा लो आधे कमरे जितनी जितने कमरा है आधा तो मेरे को लगा उनके आगे से निकल जाऊँगा जैसे ही उनके आगे से निकलने लगा वो चल पड़े और वो चल पड़े और उनको इवन मेरी बाइक भी टच नहीं हुई ये चीज़ें मैंने आज तक अपनी वीडियो में भी नहीं बताई तो उनको मेरी बाइक भी टच नहीं हुई थी उनको मेरा हाथ लगा था और हाथ लगते ही उनकी एज ज़्यादा थी और वो उसी टाइम ज़मीन पे गिर गए और मेरा हाथ लगा मेरा हाथ ये वाला बाइक से छूट गया मेरा बैलेंस छूट गया और साइड में नाली थी जैसे ही हाथ छूटा ना इधर प्रेशर आया हैंडल इधर को मुड़ा घुसते में नाली में चला गया और सोचो आप चालीस पचास की स्पीड ज़्यादा नहीं है अगर मैं रोड पर गिरता मुझे एक भी खरोच भी ना आती इवन मेरे को खरोच आई भी नहीं थी जब वो 40-50 की स्पीड चलते चलते एकदम से आगे ऐसे दीवार आ जाएगी ना वो स्पीड डबल प्रेशर पड़ता है वो नाली में जाके एकदम से रुकी मैं प्रेशर से उड़ के गया और सामने था खंबा और उस खम्भे पे मेरी लाते लगी दोनों की दोनों और अगर वो खम्बा ना होता तब भी मुझे कुछ ना होता वो नाली ना होती तब भी मुझे कुछ ना होता और वो अंकल ना होते तो फिर दोनों का कुछ ना होता तो बस ये सीन था और उसके बाद तो फिर बुरा हाल था उसके बाद पहले तो मेरे को पाँच मिनट तो सोचने में लगे क्या हुआ और ये खम्भे वाला सीन तो मेरे को, आ, मेरे, को आ, मेरे को अंकल तक याद है आगे कि अंकल मेरे से टकराए उसके बाद मुझे नहीं याद उसके बाद फिर जब दो मिनट बाद होश आया तो मैं जमीन पर बैठा हुआ था तो तब भी मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है मैंने उठने की कोशिश करी और मेरे पैर दोनों ऐसे पड़ हुए थे ये पैर तो पूरा ऐसे को मुड़ा हुआ था देखा मैंने बोला भाई ये तो गया और कहीं से खून वून नहीं आ रहा था ऊपर का शरीर मैंने देखा सब सही है फिर मैंने कोशिश करी उठने की नहीं उठा ये टांग हिलाने की कोशिश करी ये भी नहीं मेरे को लगा भाई ये गया फिर मैंने घर पे फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया उसी टाइम मैं एक फोन कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता था वहां बंदे उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी तो उस टाइम बता दिया था आपने घर पे की भाई दोनों टांग हाँ मैंने बता दिया था घर पे की दोनों टांगे खत्म हो गई हैं अब ये नहीं पता कितनी एक हड्डी भी हो सकती है दस भी हो सकती है मुझे नहीं पता ही नहीं रही है तो, तो लोग लो, आपको मतलब वो वीडियो बना रहे थे कोई वैसे बचाने या ले जाने नहीं एक्चुअली क्या है वो जो जिस एरिया में मेरा एक्सीडेंट हुआ ना अभी अपनी वीडियो नेपाल से भी काफी बंदे देख रहे होंगे नेपाल से मतलब ऐसे है ना नेपाल वाले अपने को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये मेरा पहला टूर नहीं था नेपाल का ये चौथा टूर था तभी किसी जगह हम बार बार जिसलिए जाते हैं ना कि वो बंदे में प्यार करते हैं सही बात है तो नेपाल वाले अपने को बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने पूरा साथ भी दिया तो वो रोड जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ ना उस रोड पे गजूरी है उस रोड का नाम भूल नहीं सकता मैं लाइफ टाइम तो उस रोड पे आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होता है इसलिए वहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ जब भी एक्सीडेंट होता है ना तो वहाँ के मैंने सुना ही है वहाँ के बंदे बाइक वाइक फोड़ देते हैं इवन मेरे से दो तीन दिन पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था वो बस को जला दिया था उन्होंने तो ऐसा होता है लेकिन अपने सब्सक्राइबर ही वहां खड़े हुए थे उन्होंने पहचाना ये तो प्रभ जो है प्रभजोता इवन जो पुलिस वाले आए वो भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने प्रभ जोता प्रभजोता फटाफट से एंबुलेंस कॉल करा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ मेरे साथ एंबुलेंस कॉल करा मेरे को उठाया डाला लेकिन वो वाला सीन जो था ना टांगे पूरी मुड़ी हुई थी सीधी हो नहीं रही थी फट्टे लेकर आए वो दो मेरी टांगों के नीचे हिप तक यहाँ फट्टे फंसाए टांगे पूरी सीधी करी टांगे बांध दी एंबुलेंस में घुसाया अब ये चीज़ें तो रिकॉर्ड कई उन्होंने किसी ने किसी ने आधी आदि कहीं उन्हें डाली हुई है मैंने तो रिकॉर्ड करी नहीं कुछ जब मेरे को एम्बुलेंस में डाला ना तो एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था क्योंकि वो फट्टा मेरे पैर से लगा लो लंबा था।, था अब वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा अब दरवाज़ा बंद बिना बंद में तो वो टकराएगा बार बार लेके जाएंगे तो और जाना भी कम से कम मेरे सत्तर किलोमीटर था वहाँ से तो उसके बाद वो गए फिर एक गली के अंदर जहाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान है गली में गए फिर उन्होंने एक दुकान से लकड़ी वाली दुकान थी वहाँ से एक बंदा आया मशीन लेके और वो मशीन से काट रहा है वो लकड़ और वो लकड़ काट रहा है पूरे पैर में वाइब्रेशन हो रही है गी 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 अब मैं उसको मना भी नहीं कर सकता वो है ही जरूरी करना अब वो जब काट रहा है ना जब लकड़ी काटते हैं ना धुआं उठता है और वो धुआं पूरा गाड़ी के अंदर भाई एक तो पहले ही दर्द ऊपर से सांस नहीं ली जा रही अब साथ में जो बंदे बैठे हुए स्टेन दोस्त वहीं के दोस्त से स्टेन नाम था उसको मैं उसको खिड़की खोल सांस नहीं आ रहा वो मेरे को हवा कर रहा है मैं सांस है फिर दोनों लकड़ी काटी फिर लेके गए उसके बाद वहां तक लेकिन वो ये जब लेटा हुआ था ना सबसे ज़्यादा मेरे को ये होता कि लोग खड़ो होकर वीडियो बना रहे हैं ऐसा नहीं है हेल्प करने वाले भी आते हैं लेकिन वीडियो बनाने वाले भी आते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई फटाफट से कंटेंट है उनको पता प्रभजोत है जितना निकल सकता है निकाल लो तो प्रभजोत गिर गया है ये है वो है ख़त्म हो गया है उठ नहीं रहा ये वो पता नहीं क्या क्या